फिजिकल पुलिस की बड़ी कार्यवाही, लूट की घटना का 15 घंटे के अंदर खुलासा कर दो आरोपीगण को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद किया। 27 जुलाई को पूरन गोस्वामी निवासी विलोकला थाना देहात ने बताया कि 19 जुलाई को मैं अपने बेटे विकास गोस्वामी को पेपर दिलाने साइंस कॉलेज शिवपुरी छोड़कर गोरीकुंड होते हुए घर विलोकला जा रहा था। तभी दोपहर करीब 2:15 पर एक मोटरसाइकिल से दो अज्ञात व्यक्ति आए और मेरा रास्ता रोक लिया, जिनमें से एक व्यक्ति ने कट्टा निकाल लिया और दूसरे व्यक्ति ने मारपीट किया और वीवो कंपनी मोबाइल एवं 2000 रुपये रखे थे, जिन्हें लूट कर अपनी मोटरसाइकिल से भाग गए। भागते समय मैंने उनकी मोटरसाइकिल का नंबर देखा तो इसकी शिकायत फिजिकल पुलिस को दी। पुलिस ने मोटरसाइकिल की जानकारी आरटीओ की वेबसाइट पर सर्च कर मुखबिरों से चर्चा की गई तो आरोपी को फक्कड़ कॉलोनी में रहने की सूचना मिली। इसके बाद आरोपी आसू उर्फ आशीष शाह की उम्र 18 साल तथा एक नाबालिग बालक उम्र 17 साल 8 माह को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म घटित करना स्वीकार किया तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का कट्टा, दो जिंदा राउंड तथा लूटे गए मोबाइल को जब्त किया गया तथा पूछताछ में दोनों आरोपियों ने जानकारी दी। वहीं अन्य स्थानों से लूटे गए मोबाइल के बारे में भी जानकारी दी, जिनसे शिवपुरी शहर से अन्य स्थानों से लूटे गए 4 अन्य कुल 5 मोबाइलों को जब्त कर आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 27/7/2024 को एक फरियादी पूरन गोस्वामी जो बिलोकला के रहने वाले हैं उनके द्वारा थाने पे आकर रिपोर्ट की गई कि 19 तारीख को वो अपने बेटे विकास को साइंस कॉलेज में पेपर दिलाने लेके आए थे और उसको पेपर दिलाने के लिए छोड़ने के जाने के बाद वो घर जा रहे थे तो उसी समय दो लड़कों ने उनको रास्ते में रोक लिया, मोटरसाइकिल पर थे और उनको चांटे मारे, कट्टे से उनको धमकाया और उनका मोबाइल जो था उसको छीन लिया था, जिसकी उन्होंने कल थाने पर रिपोर्ट की थी। उसके बाद पुलिस के द्वारा टीमें गठित की गई थी और रवाना की गई थी, क्योंकि उनके पास मोटरसाइकिल का नंबर था जिससे हमारी मदद हुई और आरटीओ के माध्यम से हमने मोटरसाइकिल मालिक की जानकारी निकाली और उसके बाद अन्य पूछताछ में हमने उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया। ये जो दोनों लड़के हैं इनमें से एक लड़का नाबालिग है और जो दूसरा लड़का है वो बालिग है। जो बालिग लड़का है उसका नाम है आसू उर्फ आशीष शाह की उम्र 18 साल और चूंकि जो विधि विरुद्ध बालक है उसका नाम हम नाबालिग होने के कारण आपको उल्लेख नहीं कर रहे हैं। इनके और भी रिपोर्ट है क्या? और भी लपटा हाँ, आसू उर्फ आशीष के खिलाफ में एक मारपीट का मुकदमा कायम है फिजिकल थाने पर ही और जो इनने जो झपट्टा मार के अपने यहाँ तो लूट की थी पर इनने कई और जगह झपट्टा मार के कार्रवाई की है। हमारे द्वारा कुल 5 मोबाइल जब्त किए गए जिसमें से कोतवाली और फिजिकल क्षेत्र में इन्होंने अन्य घटनाएं की थी जिनके फरियादी संभवतः थाने पर आए नहीं है और जो मोबाइल है उनकी जानकारी भी मैं आपको दे देती हूँ। एक वीवो का गोल्डन कलर का मोबाइल है, एक वन प्लस कंपनी का ब्लैक कलर का मोबाइल है, एक ओप्पो कंपनी का ग्रीनिश कलर का मोबाइल है, एक रेडमी नार्जो गोल्डन कलर का मोबाइल है और एक रेडमी ब्लू कलर का मोबाइल है और इनकी कीमत 80,000 रुपये है। साथ ही इनसे जो इन्होंने घटना में प्रयुक्त कट्टा था उसको भी पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है और मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। हाँ, लोकल शिवपुरी शहर के रहने वाले हैं।